अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आप सबका स्वागत है। पुलिस सेवा में रहकर एक जनसेवक, कला प्रेमी, कवि अपने कुशल नेतृत्व में नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर अनेक नशे के सौदागरों को जेल के शिकंजों के पीछे भेजा है। ऐसा दबंग पुलिस अधिकारी कौन है? अनूपगढ़ ज्योति की खास मुलाकात देखिए मलकीत सिंह की रिपोर्ट। आज हमारे साथ अनूपगढ़ DYSP हुकम सिंह जी है। आज हम आपको कवि हृदय व महामहिम राष्ट्रपति से सम्मानित DYSP हुकम सिंह जी से मिलवाते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो जो आप राष्ट्रपति से सम्मानित हो चुके हैं। एक्चुअली राष्ट्रपति से सम्मानित होना एक अलग तरह का फ्रेज है। राष्ट्रपति से मुझे जो पुलिस मेडल मिला है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महामहिम अपने जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनके द्वारा दिया जाता है, और उसके लिए जब डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वो हमारे कोई अच्छे कार्यों से हमारी जो प्रशंसा और सम्मान करना चाहते हैं तो नॉमिनल भेजा जाता है, नाम भेजे जाते हैं और फिर वहाँ से अप्रूव होकर के आता है। तो राष्ट्रपति द्वारा दिया गया प्रशंसा पत्र और उनके द्वारा दिया गया मेडल अवश्य मुझे मिला है, लेकिन राष्ट्रपति से सम्मानित होने का मतलब मैं अशोक हॉल में जाकर के सम्मानित नहीं हुआ हूँ। मुझे अपने राजस्थान पुलिस में ही और अपने स्वतंत्रता दिवस के दिन ही 2005 में ये वाला पुलिस मेडल मुझे दिया गया था। धन्यवाद आपका कि आपने इसे राष्ट्रपति से सम्मानित होना कहा। तो सर, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके दिनचर्या क्या रहती है और शुभ दिन की आप शुरुआत कैसे करते हैं? मैं बचपन से ही 5:30 बजे उठ करके और अपने बहुत जो नित्य कर्म है उनसे निपट करके और थोड़ी देर मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ। 15 से 20 मिनट, कभी कभी आधा घंटा हो जाता है, और उसके बाद में मैं अपना घूमने चला जाता हूँ और उसके बाद आकर के अपना नहाना धोना और उसके लिए ऑफिस के लिए तैयार होना, ये मैं दिनचर्या रहती है। शाम के टाइम पे फिर थोड़ी देर के लिए कभी कभी खेला करता था, लेकिन अभी बहुत दिनों से खेल बंद पड़ा है, और रात में फिर इसी तरह से ईश उपासना करने के पश्चात सो जाता हूँ। तो सर, जैसा कि हमने देखा है फेसबुक पे और सोशल मीडिया, काफ़ी आप कविताएं भी लिखते हैं, तो निश्चित रूप से ये तो मेरी बहुत बचपन से ही मेरे लिखने की आदत रही है, लेकिन धीरे धीरे इसमें मैं परवान चढ़ा और मेरी उर्दू की वोकैबुलरी, मेरा शब्दकोश काफ़ी अच्छा हो गया, तो मैं उर्दू में खास तौर से लिखता हूँ लेकिन हिंदी में भी लिखता हूँ। और आज स्वतंत्रता दिवस है, जिसे मैं विजय दिवस भी कहता हूँ, इस अवसर पर मैं कुछ आप लोगों के समक्ष सभी को अपनी इस भावना से उत्प्रोत होकर के और अपनी भावनाओं से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। तो माँ भारती पर मैंने एक बहुत पहले जो लिखी थी और उसको कई बार जब भी कभी मंच पर मुझे बोला जाता है तो शुरुआत में माँ भारती की वंदना से ही करता हूँ, वो मैं बताना चाहूँगा यदि आपके पास समय हो। हाँ जी। रवि शशि तुझ पर दीपक वारें। मैं बचपन में जब पढ़ता था 5th क्लास में तो मेरे गुरु जी थे एक मदन लाल जी शर्मा, उनके ये शब्द हैं, रवि शशि तुझ पर दीपक वारें, अपना देश महान, कुछ इस तरह की वो कविता के शब्द मेरे को याद आते हैं। तो बस उनको ही मैंने अपने इस तरह से बनाया कि रवि शशि तुझ पर दीपक वारें, कोटि नदियां जल उतारें, सिंधु लहरें चरण पखारती, नमामि त्वां माँ भारती, नमामि त्वां माँ भारती, खग विहग तेरे चंवर ढुलावें, पीपल ताड़ वट के पर्ण झांझ बजावें, प्रज्ञा रितंभरा ज्ञान अमृत झारती, नमामि त्वां माँ भारती, नमामि त्वां माँ भारती। नव नभ में नित नव ध्वज चढ़ावें, नव नभ में नित नव ध्वज चढ़ावें, कोटि कोटि सुर नर मुनि जन गावें, वंदे मातरम जनगण मन मंगल आरती, नमामि त्वां माँ भारती, नमामि त्वां माँ भारती। कभी रज कभी रक्त में सने हुए, कभी रज कभी रक्त में सने हुए, तेरी गोद में खेले हर्षित धन्य हुए, राम से रथी अर्जुन और कृष्ण से पार्थ सारथी, नमामि त्वां माँ भारती, नमामि त्वां माँ भारती। एक चूजा भी बाज से लड़ पड़े, एक चूजा भी बाज से लड़ पड़े, फिर सर कटे या धड़ पड़े, तेरी सेना थकती है ना हारती, नमामि त्वां माँ भारती, नमामि त्वां माँ भारती। क्लेब्यम माँ स्मगम है का आप्त वचन, समता सद्भाव सहिष्णुता मंत्र सनातन, मृदुल नयनों से नव कौंपले निहारती, नमामि त्वां माँ भारती, नमामि त्वां माँ भारती। और सत्य संरक्षण शोक शमन दुष्ट दमन, देव मुनि नर गंधर्व यक्ष सब करें नमन, सिंह वाहिनी सिंहनी सिंहकारती, नमामि त्वां माँ भारती, नमामि त्वां माँ भारती। जैसा DSP साहब ने माँ भारती बहुत ही अच्छी कविता सुनाई, एक सर हमने देखा है कि जैसा आपका मिलनसार स्वभाव है और स्थानीय लोगों से आप मेल जोल रखते हैं, जिसके चलते आपने कई जो परिवाद है, जो मुकदमे हैं, जो राजीनामे के जरिए सुलटा दिए हैं।
इनफैक्ट मेरा बेसिक जो बैकग्राउंड है वो इंटेलिजेंस का है, और इंटेलिजेंस में रहते हुए लोगों से बात करने का सलीका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि वहाँ पे हमें जब कोई इंटेलिजेंस कलेक्शन करना होता था तो बहुत निम्न जो काम करने वाले हैं, जिनको छोटा काम भी कहा जाता है, हालांकि मेरे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, तो नई धोबी मोची से लेकर के कलेक्टर मिनिस्टर साहब तक से जो बात करने का अंदाज़ और जो एक लहजा हमारे में डेवलप हो गया, मैं उसको अपनी उस इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझ में ये गुण विकसित किया। और उसके अलावा फिर मैं अपने बाकी और पिछले विद्यार्थी जीवन में भी याद करता हूँ, तो एनसीसी में रहता मैं वनराज एयर स्क्वाड्रन की उस मिट्टी को कभी नहीं भूलता, और कई बार मैं बता भी चुका हूँ कि उस मिट्टी को मैं आज भी अपने साथ में रखता हूँ, उसको नमस्कार करता हूँ कि मेरी सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उस वनराज एयर स्क्वाड्रन से हुई। उसके बाद में मैं फोरराज एयर स्क्वाड्रन में एक इंस्ट्रक्टर भी रहा बच्चों को, और बाकी जो नए आते थे पायलट्स उनको हवाई जहाज उड़ाना सिखाता था, तो बोलचाल में और फिर इन सब चीज़ों में जो मेरा एक गुण ये विकसित हो गया सबसे मेल जोल कर रखने का और परिवादी को सुनने का, खासतौर से जब पुलिस में आया तो एक परिवादी हमारे पास में न्याय की उम्मीद लेकर के आता है, और मैं अक्सर जुडिशरी के जो हमारे अधिकारी हैं उनसे भी कहता हूं कि न्याय का पहला सोपान है पुलिस, और यहां से अगर हमने उसका कम से कम बात तो उसकी ढंग से सुन लें, उसको लगे तो सही कि हाँ हमारी सुनवाई हुई है या उसकी बात समझ ली गई है, इसलिए मैं इस तरह की एक मेरी जो व्यवहार में आ गई चीज़ मैं उसको फलीभूत करता हूँ यहाँ पर, और उसका परिणाम मैं देखता हूँ कि लोग बाग चाहे वो अपना मुकदमा हार गया या उसने जो परिवाद दिया था वो झूठ था सच था वो तो सब इन्वेस्टिगेशन में आता है, लेकिन वो संतुष्ट होकर के जाता है कि हाँ मुझे न्याय मिला। तो सर आप सीओ पद पे तैनात हैं तो काफ़ी स्टाफ आपके नीचे काम करता है, आप बिना डांट रख के प्रेम पूर्वक उनसे अच्छा काम ले रहे हैं। मेरा एक मानना यह है कि जब भी कभी मैं देखता हूँ कि किसी की शिकायत पर उसका ट्रांसफ़र कर दिया या उसको कहीं और लगा दिया, कुल मिलाकर के हम कहीं से भी ढूंढ करके लाएंगे आदमी तो हमारे यही होंगे जितने हमारी पुलिस के इस हमारे इंस्टीट्यूट में हैं, इन लोगों को अगर इस तरह से अगर हम समझाएंगे नहीं बताएंगे नहीं उसको करेक्शन नहीं करेंगे, उसको सजा देना एक अलग बात है, लेकिन वो काम की मुख्य धारा में आ सके तो मैं प्रयास ये करता हूँ कि उसको डांटने डपटने की बजाय उसको काम सिखाऊं, या उसमें कोई कमी रह गई है तो उसको दुरुस्त करने की, कमियां तो मुझ में भी हो सकती है, कमियां मेरे से सीनियर्स में भी हैं, कमियां बहुत सारे दूसरी जो जितने भी हैं हम इंसान हैं और कमियों के पुतले हैं गलतियों के पुतले हैं गलतियां करते हैं, लेकिन गलती एक बार हो जाए तो ठीक है, दो बार हो जाए तो भी कोई बात नहीं, तीसरी बार गलती करें तो फिर उसको हम जो भी विधि के अनुरूप जो प्रक्रिया है उसके अनुरूप विधि की प्रक्रिया के अनुरूप उसको सजा भी दी जाती है, लेकिन वो स्टेज बहुत कम आती है मेरे जीवन में अब तक मैंने जितना भी देखा कि किसी को सिर्फ समझाने से ही उनको समझ आ गई और वो काम करने की धारा में आ गए। तो इस तरह से मेरा जो अधीनस्थ शब्द मैं प्रयोग नहीं करता, क्योंकि मेरे एक एम के देवराजन साहब ने बहुत बढ़िया बात कभी कही, अधीनता तो 1947 में समाप्त हो गई और कोई भी जिसको जिलाधीश शब्द से उन्होंने बोला था ये जिलाधीश क्यों लिखा है, तो बोला आज कोई भी अधीश नहीं रहा, कोई मठाधीश नहीं रहा, तो अधीनता कुछ भी नहीं है, हम सब सीनियर और जूनियर हैं, मैं किसी से पद में जूनियर हो सकता हूँ लेकिन उम्र में सीनियर हो सकता हूँ, कोई मुझसे पद में जूनियर हो सकता है लेकिन मुझसे उम्र में सीनियर हो सकता है, तो मैं अपने सिपाही से भी जिकारे से बात करता हूँ, उनको सम्मानपूर्वक बात करता हूँ, तो वो इस बात का काफ़ी इम्पैक्ट मेरे जीवन में उन्हें देखा है, मैं समझता हूँ कि सबको इस तरह से सोचना चाहिए। तो सर स्टाफ की कमी की वजह से काम का बोझ भी पुलिसकर्मियों पर काफ़ी रहता है, किन परिस्थितियों में काम निश्चित रूप से काम का बोझ तो अवश्य होता है, और इस तरह से अगर मैं डेटा की बात करें तो एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन लगभग 30% डेफिशिएंसी और न सिर्फ पुलिस में बाकी सभी डिपार्टमेंट्स में है, लेकिन हम लोगों की एक व्यवस्था कह लें या हमारी एक कर्तव्य निष्ठा कह लें कि काम यदि ज़्यादा है तो भी करना तो हमें ही है, तो उसमें हम 24 घंटे के लिए कहा जाता है कि हम 24 घंटे के नौकर हैं 24 घंटे के हम काम करने वाले हैं, सत्य ये नहीं है, 24 घंटे का मतलब ये होता है कि 24 घंटे में कभी भी आपको अपनी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम 24 घंटे काम करने की कोशिश करते हैं, हमारे आराम का और हमारे नित्य कर्म का जो समय होता है उसको छोड़ करके फिर भी हम ऑफिस में और अपने जो फील्ड की ड्यूटी होती है, क्योंकि यहाँ पर वैराइटी ऑफ वर्क है, यहाँ पर एक हम नहीं कह सकते कि आज यही काम होगा कल यही काम होगा, कब कौन सा काम आ जाएगा तो हम उस तरह से तैयार होते हैं, हमें ट्रेनिंग उस तरह की होती है और करते करते हम इस तरह के ढल जाते हैं कि हमें लगता नहीं है कि काम ज़्यादा है या कम है, कम होने पर भी हम सृजन का काम करने शुरू कर देते हैं, जैसे आपने अगर मेरे ऑफिस को देखा हो जब भी हमें फुर्सत मिलती है तो हम सृजन करते हैं, इन सबसे जब हमें समय मिल जाता है तो भजन करते हैं, ईश्वर से मैं यही कहता हूँ कि हमें सृजन में और हमारे कर्म में लगाए रखे, और जब
हमें लगे कि हाँ हमारा सृजन भी हमसे नहीं हो पा रहा है या दूसरा कर्म भी नहीं हो पा रहा, तो फिर भजन करने के लिए हम अवसर निकाल लेते हैं, समय निकाल लेते हैं। सर आप उच्च अधिकारी के पद पर तैनात हैं तो काफ़ी मामलों में डिसीजन भी आपने लेना होता है, तो परिवादी की तरफ से भी सिफारिश आती है ये मेरा आदमी है सही कार्रवाई करें, उधर आरोप की तरफ से भी आती है, राजनीतिक दबाव भी आता है, ऐसे में आप कैसे मेंटेन करते हैं? मेरा आप अगर पीछे का भी इतिहास देखें तो बिल्कुल जब पहली बार कभी भी कोई भी FIR आती है उसमें ही लगभग ये तय हो जाता है कि ये मामला सच्चा है या झूठा है, तो जो सिफारिश करने वाले सिफारिश उस तरह से नहीं करते। मैंने अपने जीवन में ये देखा जब से भी मैं फील्ड में आया हूँ, तो वो मुझसे यही कहते हैं कि जायज़ करना, न्याय करना, और मैं भी यही कहता हूँ कि मैं ये कर सकूँगा ये नहीं कर सकूँगा। दबाव की स्थिति ना तो मैंने महसूस की ना कोई, जब लोगों को पता लग जाता है कि ये आदमी सिर्फ और सिर्फ सत्य की तरफ जाने वाला है, न्याय की तरफ जाने वाला है, तो वो दबाव डालते भी नहीं है। हाँ, दूसरे और लोग जो इस तरह की चीज़ें करते हैं निश्चित रूप से वो सिर्फ पुलिस में नहीं बाकी दूसरी जगह पर भी होते होंगे, तो दबाव जैसी बात मुझ पर कभी नहीं होती, और यही वजह है कि मैं जब सोता हूँ तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के सोता हूँ, मन पर कोई बोझ नहीं होता, और सत्य और निष्ठा के और न्याय के पथ पर अगर चलता है आदमी तो परेशानी थोड़ी देर के लिए आ सकती है लेकिन आप पराजित नहीं होते। तो धन्यवाद सर अनूपपुर ज्योति को समय देने के लिए। ये थे अनूपपुर DASP हुकम सिंह, जिन्होंने बेबाक तरीके से बात की और लोगों को संदेश भी दिया। कैमरामैन रद्वीप के साथ मलकीत सिंह, अनूपपुर ज्योति।